नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। सितारगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चुनाव से पहले पुलिस ने कैश का बड़ा जखीरा किया बरामद, आरोपी से चल रही पूछताछ। और भोपाल में सुवर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बच्चों को पिलाई गई सुवर्ण प्राशन औषधि, सीएम शिवराज ने समझाई सुवर्ण प्राशन प्रक्रिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें घरेलू हिंसा में महिलाओं को सहायता राशि देने, आयुष्मान योजना का लाभ भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को देने के प्रस्ताव पर मंजूरी शामिल है। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। मिश्रा ने बताया कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं प्रदेश में नई शराब दुकानें नहीं खुलेगी, इस पर भी फैसला हुआ है। इससे पहले आबकारी विभाग ने नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिए गए हैं। जैसा आप सबको विदित है कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में देश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की पहचान होती है। एक सामाजिक पहल उन्होंने आज की है और सामाजिक पहल में घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी बहन बहू है, इन सब बालिकाओं और महिलाओं के लिए आज एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया है। इस घरेलू हिंसा में अगर नातेदार जो ससुर कहलाते हैं, देवर कहलाते हैं, इस तरह के नातेदार भी शामिल हैं, अगर वो घर में प्रताड़ित करते हैं तो अगर वो हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी बहू बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया, और उसके न्यायालय में जो प्रकरण रहता है तो उसके आवागमन का पूरे का पूरा खर्चा, उसकी व्यवस्था, उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। और इसके लिए हमारे यहाँ पर कलेक्टर को अधीन आवेदन पत्र देंगे पुलिस अधीक्षक, CMHO, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास अधिकारी, ये इस व्यवस्था को देखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो नगरीय क्षेत्रों के अंदर, जैसा पहले आपने मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना देखी होगी, कमोबेश वही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के धारकों को धारणाधिकार लेने का अधिकार दिया गया है। या मैं यह खोलना चाहता हूं कि जिस मकान में वो रहते हैं अगर उसमें उनकी वो दुकान भी चलती है तो उस जो दुकान है उसका भी अधिकार, उसको धारण करने का अधिकार इस नए नियम के अंदर दिया जाएगा। इसमें जो गांव की आबादी की भूमि में रहने वाले लोग हैं और उनके पास में स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है, इसके कारण से उन्हें बैंक में लोन लेने की और अलग अलग प्रकार की अनेक कठिनाइयां होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 22 सितंबर 2020 में भी एक आया था, एक 24 सितंबर में आया था। तारगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सोमवार को रात के वक्त सितारगंज कोतवाली के अंतर्गत सरखड़ा पीलीभीत वेरियर में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 7,30,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। चुनाव से कुछ वक्त पहले पुलिस के हाथ कैश का बड़ा जखीरा हाथ लगा है। बता दें, पुलिस ने पूछताछ में उक्त व्यक्ति से बरामद रुपयों के कागजात तलब किए तो कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मेरे द्वारा सरकार बैरियर पर पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी तो हमारी तरफ रात
एजेंसी की तरफ से गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गई, तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद मिले, बरामद हुए, जिनके इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपए कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है और अधिकारीगणों को सीज किया। इनका नाम राकेश कुमार चौबे है और ये बसंत गार्डन शिक्षा के रहने। मंगलवार को भोपाल में आरोग्य भारती के सुवर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल में अब रिसर्च सेंटर भी बनेगा। बता दें आरएसएस के अनुषांगिक संगठन आरोग्य भारती ने भोपाल में सुवर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया था। आयोजन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को सुवर्ण प्राशन औषधि पिलाई। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि सुवर्ण प्राशन प्रक्रिया बच्चों को कुपोषित होने से रोकती है। हमने भी बचपन में शहद चाटी है, लेकिन शहद चाटने की प्रक्रिया अब गांवों में भी विलुप्त हो रही है। सीएम की माने तो 16 संस्कार में सुवर्ण प्राशन भी संस्कार है, बच्चे बीमार नहीं हो इसलिए ये प्रक्रिया जरूरी है। अगर शरीर बीमार हो जाए तब इलाज करें इसकी जरूरत नहीं है। कोशिश ये हो कि हम बीमारी ना हो, मतलब 16 संस्कारों में से एक स्वर्ण प्राशन संस्कार। हमने भी सेहत चाटी वास्ते जी बचपन राघवेंद्र बैठे हैं सामने डोबी में, हमारे गांव में स्वर्ण प्राशन नहीं कहते थे क्योंकि गांव में एकदम स्वर्ण प्राशन उस शब्दावली पर नहीं जाते थे, लेकिन एक निश्चित उम्र हो जाती थी तो कहते थे चटाना है आज, तो कोई स्वर्ण सलाखा से चटाता था और सक्षम नहीं होता था तो उंगली से ही सेहत चटाता था, लेकिन चटाते थे। वर्षों तक ये परंपरा जीवित रही, अब जरूर ये ग्रामीण क्षेत्र में भी विलुप्त जैसी हो गई। लेकिन हमारे जो 16 संस्कार है पूर्णतः वैज्ञानिक है, शोध करके बनाए गए। उनमें से स्वर्ण प्राशन संस्कार इसीलिए है कि बच्चे स्वस्थ रहें, बीमार ना हो, कुपोषण के शिकार भी ना हो। अशोक जी ने बताया कि स्वर्ण के अलावा और कौन कौन सी औषधियां ग्लो एंड निर्गुंडी से लेके अलग अलग। अरे एक और आपको याद होगा, पहले जन्म के साथ बच्चों को जन्म घूटी भी देते थे, अब खत्म हो गए। और जन्म घूटी किसी जमाने में बहुत पॉपुलर थी। ये वास्ते जी चटाते थे तो हर्रा घिसके भी चटाते थे, ये बचपन में कोई बीमार है इसलिए नहीं, हर्रा घिसते थे उंगली में लेके वो भी बच्चों को चटाते थे। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होता था। तो इस तरह की चीजें जन्म घूंटी में भी औषधियां रहती थी, उसी का एक प्रकार था। तो बच्चे कुपोषित ना हो, स्वस्थ हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें विकसित हो, इसकी कल्पना आज नहीं हजारों साल पहले भारत ने की थी। मैं आरोग्य भारती का ऋणी हूं, आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।